अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आई एम रियली वेरी सॉरी, आप सब लोगों ने कितना वेट किया और कितना मिस किया होगा मुझे पता है, और मैंने भी आप लोगों को इतना ज़्यादा मिस किया। और पता है क्या हुआ था, मैंने थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन मैंने वीडियोस में बनाती रही, और सैटरडे की सुबह को जब मैं एडिट करके मैं वीडियो डालने लगी हूँ तो उसकी मेमोरी जो है वो फुल हो चुकी थी। तो मैंने गलती से ना वही जो वीडियोस मैंने बनाई थी उन्हीं को ही डिलीट कर दिया कि स्पेस बन जाए। और जब मैं इस ऐप पे आई जहाँ पर मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और अब यकीन करें, मैं यूं के बस रोने वाली हो गई थी, इतना मुझे अफसोस हुआ, इतना मुझे अफसोस हुआ। मैं एंड में पिक्स डाल दूंगी जो मैंने बिरयानी बनाई थी, समोसे बनाए थे, और साथ में एक बड़ा इजी सा फ्राइड चिकन था वो मैंने बनाया था। तो इतना मुझे अफसोस हुआ, इतना कि बस मैं नहीं बता सकती मुझे कितना अफसोस हुआ। आई एम रियली सॉरी। और आप सब लोगों के 3-4 दिनों से सबके मैसेज आ रहे हैं कि अब किधर हैं और अब ठीक तो हैं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फिर आज ये मंडे की सुबह है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। और साथ में मैं कर रही हूँ अपने लिए एग बॉईल कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं कढ़ी पकोड़ा बनाती हूँ जिसकी रेसिपी भी आप सब लोगों को चाहिए थी, और मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये बना लेती हूँ। तो आप बाकी सब लोग ठीक होना, खैरियत से होना? थोड़ा सा आजकल ज़रा ज़्यादा ही मेरा बिजी चल रहा था। एक तो मैंने बताया ना नाल के एग्जाम्स हैं, तो अब जाके वो वेनसडे को जाके ख़त्म होंगे। दूसरा फिर बिजनेस की वजह से भी काफ़ी फिर बिज़ी हो गई और इसलिए वीडियोस कम कम डालने लग गई हूँ। लेकिन अब जो है कि मनाल के एग्ज़ाम सब ख़त्म हो रहे हैं तो मेंटली तौर पे मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी, तो इंशाल्लाह अब वीडियोस बनाती रहा करूँगी। रोज़ के रोज़ कोशिश करूँगी कि रोज़ बनाऊँ, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन तो ज़रूर ही बनाऊँगी। आज मौसम इतना अच्छा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बारिश तो नहीं हुई, कभी धूप निकल आती है कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है आज ना। तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि जब गर्मी जैसे ही पड़ने लग जाती तो इस तरह का मौसम हो जाता था, तो फिर मौसम ठीक हो जाता, ठंडा हो जाता था। और ओफ अल्लाह, मेरी चाय गिर गई। चलें चाय शाय पी के काम शाम करके अब मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। आज मैं जल्दी लंच की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है, लेट नहीं किया। तो नाश्ते के बाद ही मैं फिर डस्टिंग वगैरह करके और सारे अपने काम करके मैं फ़ौरन आ गई किचन में। तो ये मैंने प्याज डाल दिए थे बेसन में, और इसमें डाला मैंने नमक, और ये ज़ीरा और धनिया जो मैंने भून कर रखा हुआ था ये भी मैंने डाला। किसी ने मुझसे पूछा था कि हम इसको किस चीज़ में फ्रीज़ करें, तो इसको ग्लास के जार में ही कोशिश करें कि फ्रीज़ करें। और नमक डाला और ये मिर्च डाली मैंने, तकरीबन मैंने ले लिया होगा 1 कप, 1 से 1.5 कप मैंने लिया था बेसन का। और ये 3 छोटे चम्मच मैंने भर के सूखा मेथी का डाला, थोड़ा सा मैंने सोडा डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, और ये अनारदाना मेरे पास क्रश किया हुआ रखा है वो भी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया होगा। और इसको हाथ से ही मैं इसका एक बैटर सा तैयार कर लूँगी, बड़े प्याज के पीसीज हैं उनको मैं वो कर रही थी। हाथ से ही बस मैं इसको गूंदूंगी, इसका हाथ से ही अगर इसका पेस्ट बनाएं और हाथ से ही
इसको कढ़ाई में डालें, इसके पकौड़ियाँ बना के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आजकल इतना मक्खियों ने तंग कर रखा है, जहाँ भी जाओ मक्खियाँ मक्खियाँ, और ऐसी ढीठ किस्म की मक्खियाँ हैं कि हटती ही नहीं है। हालांकि मैंने 100 टोटके लड़ा रखे हैं इनके साथ, लेकिन ये बिल्कुल ही जान नहीं छोड़ती हैं, हर जगह कमरों में। हालांकि मेरा बंद बंद घर है, लेकिन फिर भी अंदर घुसी आती हैं, और क्योंकि मुझे रोशनी करनी पड़ जाती है, तो इसलिए इस जगह पर ज़्यादा आ जाती हैं। वीडियो बनाने की वजह से मुझे रोशनी करनी पड़ जाती है। और एक प्याली मैंने दही ली, ये मैं कढ़ी का वो बना रही हूँ, दही का जो बैटर होता है, तो उसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, नहीं यूँ समझ लें कि 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाला होगा। और ये नमक मैंने डाला और ये मिर्च डाली और ये हल्दी, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, पहले स्पून से और फिर विस्क के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है, और ये कम से कम मैं इसको 20 से 25 मिनट इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी, और तब तक इसको हिलाती रहूंगी जब तक इसमें एक उबाल सा नहीं आ जाता, वरना इस क्या होगा कि इसके लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको स्टर करती रहूंगी जब तक कि इसका उबाल ना आ जाए, तो ऐसे नहीं छोड़ना इसको साथ साथ, इसलिए मैं हिलाती भी जा रही हूँ। और दूसरी साइड पर मैंने कढ़ाई भी रख ली है, और उसमें मैं अपने पकोड़े फ्राई कर लूँगी, और कढ़ी को तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर ज़रूर ज़रूर इसको पकाना है, और पकोड़े मैं उधर फ्राई कर रही हूँ। और कढ़ी तकरीबन मेरी बनी, मैंने इसको पकाया है और पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे। दूसरी साइड पर मैंने पैन में छोटे छोटे प्याज काट के वो मैंने पैन में चढ़ा दिया है तड़के के लिए, और इधर पकोड़े मैं डाल रही हूँ, और इसको भी अभी मैं 3 से 4 उबाल आने तक मैं इसको पकाऊंगी, ताकि इसमें इस तरह करने से पकोड़े जो है ना सख्त नहीं रहते, उससे ना वो ऐसे सॉफ्ट से और अच्छे से इसमें सारा जो इसका टेस्ट है वो सारा मिक्स हो जाता है। बस अब मैंने इसको बंद कर दी है, अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का, और प्याज जैसे ही थोड़े से पिंक से होंगे तो उसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगी, उसके बाद इसमें गोल 2-3 बटन वो डाल दूंगी, और फिर जब जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो मैं इसमें लाल मिर्च जो होती है ना कुटी हुई वो डाल के, और इसका बस तड़का मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए मैं चिलीज डाल रही हूँ इसी के साथ ही, अच्छा से जब ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें तड़का लगा दूँगी। और आखिर में मैं आपको फटाफट से एक बात बता दूँ, मुझे एक फ्रेंड की ना, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस सिलसिले में उन्होंने कुछ ऑर्डर कराना था, तो मुझे किसी का मैसेज आया, तो मैंने उनकी डीपी से देखा तो वो उषमा गिलानी की बेटी थी, तो मुझे देखकर मुझे इतना मुझे अच्छा लगा कि जिनको मैं बचपन में देख के एडमायर करती थी, उनकी बेटी से एक तो मेरी दोस्ती भी हो गई है, वो देख रही होंगी वो सुन रही होंगी,
और उन्होंने अपनी मम्मा से मेरी बात भी कराई, मतलब ये मेरे लिए ऑनर की बात है और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो उन्होंने कपड़े वगैरह भी ऑर्डर कराने थे वो भी कराए और मुझसे बात भी की। रियली मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि जिनको मैं देखा करती थी, जिनको मैं इतना एडमायर किया करती थी, उनसे मेरी बात हो गई। शुक्र अल्लाह ताला का। तो ये मेरा तड़का बस तैयार होने वाला है, तो इसके एंड में मैं आपको सारी पिक्स दिखा दूँगी जो मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैं लोड नहीं कर पाई। तो इसको तो मैं तो खाऊंगी रोटी के साथ, क्योंकि मुझे रोटी के साथ ही ये कढ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, मुझे चावलों के साथ इतनी नहीं अच्छी लगती। और ये मैंने लाल मिर्च, इसको बस ज़्यादा पकाना नहीं है, लाल मिर्च डाल के बस फौरन ही, इसका क्या होता है कि इससे बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। बस ये तड़का तैयार हो गया। इसकी आखिरी लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी लुक निकली है। ये बहुत इजी और इंस्टेंट बन जाने वाली कढ़ी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।